आईटीआई करने वालों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट अपडेट लेके आया हूँ। जी हाँ मेरे भाई, यदि आप या आपके फैमिली में कोई भी आईटीआई करने वाला है तो दोस्तों आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। जी हाँ मेरे भाई, अंतिम मौका ये होने वाला है आईटीआई में एडमिशन लेने का। जी हाँ मेरे भाई, तो पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ भाई, क्या क्या डेट है रजिस्ट्रेशन की, चॉइस फिलिंग की, किस किस को रजिस्ट्रेशन करना है, कितनी सीटें हैं, तो भाई पूरी जानकारी आपको देने वाला हूं। तो यदि आप आईटीआई करने वाले हो या करना चाहते हो तो दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यहां पे आप लोग देखिए दोस्तों, 3 नवंबर मंगलवार यानी कि दोस्तों आज का ये पूरा अपडेट है। बिल्कुल अच्छे से मैं आपको जूम करके दिखाने वाला हूँ, आप खुद इसको अच्छे से पढ़ लीजिए और पूरा यहाँ पे एनालिसिस कर लीजिए कि भाई क्या क्या इसमें प्रोसेस होने वाली है। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, आईटीआई में रिक्त 9,969 सीटों के लिए 20 नवंबर तक पुनः प्रक्रिया होगी। जी हाँ मेरे भाई, यहाँ पे और आप लोग देख लेना, प्रदेश के शासकीय एवं निजी आईटीआई में रिक्त सीटों को भरने के लिए प्रवेश प्रक्रिया पुनः शुरू की जा रही। जी हाँ मेरे भाई, यदि आप गवर्नमेंट में लेना चाहते हो या प्राइवेट में, तो इसके लिए पुनः फिर से यहाँ पे आवेदन स्टार्ट होने वाले हैं। अब तक कुल 44,372 सीटों में से लगभग 34,403 सीटों में प्रवेश पूर्ण हो चुका है, यानी कि दोस्तों बहुत सारी सीट यहाँ पे खाली रह चुकी है, 10,000 के समथिंग। यहाँ पे देख लेना, रिक्त 9,969 सीटों के लिए तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा पुनः प्रवेश प्रक्रिया 3 नवम्बर से शुरू की गयी है। जी हाँ दोस्तों, आज से शुरू हो चुका है, यह प्रक्रिया 20 नवंबर तक जारी रहेगी। जी हाँ मेरे भाई, 20 नवंबर तक यहाँ पे होने वाले। इसके बाद यहाँ पे और भी आप लोग देख लीजिए, शासकीय आईटीआई के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 3 नवंबर से शुरू है, आवेदन 8 नवंबर तक, रजिस्ट्रेशन में त्रुटि सुधार, नवीन चॉइस फिलिंग एवं इच्छित संस्थाओं तथा व्यवसायिकों की प्राथमिकता का चयन कर इच्छित संस्थाओं में प्राथमिकता के क्रम में त्रुटि सुधार कर सकेंगे। जी हाँ, 8 नवंबर तक आपको क्या है कि यदि आपके रजिस्ट्रेशन में कुछ मिस्टेक हो गई है या फिर आपको चॉइस फिलिंग करना है तो आप इसमें करा सकते हैं, ठीक है। जिन आवेदकों ने पूर्व में रजिस्ट्रेशन करा लिया है उन्हें दोबारा से रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं है। जी हाँ मेरे भाई, क्योंकि रजिस्ट्रेशन तो एक बार ही होता है, तो आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको दोबारा से चॉइस फिलिंग कराना होगा, ठीक है। उन्हें चॉइस फिलिंग कराना अनिवार्य होगा, यहाँ पे क्लियर बता दिया है एमपी ऑनलाइन द्वारा 9 नवंबर को एसएमएस के माध्यम से मेरिट सूची जारी की जाएगी। जी हाँ, 9 नवंबर को आपके पास एक मैसेज आ जाएगा एमपी ऑनलाइन से, भाई आपकी मेरिट में ये रैंक रही, आपका ये स्थान रहा है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, मेरिट सूची के आवेदकों का प्रवेश 10 एवं 11 नवंबर को होगा। 9 के आपके पास एक मैसेज आएगा, भाई आपकी रैंक रही ये रही है, और 10 और 11 को आपको यहाँ पे एडमिशन होने वाला है। मेरिट सूची के आवेदक 12 से 16 नवंबर के मध्य रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर देख लेना भाई, मेरिट सूची के आवेदक 12 से 16 नवंबर के मध्य रजिस्ट्रेशन में त्रुटि सुधार, नवीन चॉइस फिलिंग तथा इच्छित संस्थाओं में प्राथमिकता क्रम में त्रुटि सुधार कर सकेंगे। इस अवधि में नए आवेदक भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जी हाँ, यदि आपने रजिस्ट्रेशन भी नहीं करा है तो करा सकते हैं। द्वितीय में सूची 17 नवंबर को जारी होगी तथा 18 एवं 19 को प्रवेश प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जी हाँ मेरे भाई, मेरिट सूची के आधार पर वोटिंग लिस्ट के आवेदकों की प्रक्रिया 20 नवंबर 2020 तक पूर्ण कर ली जाएगी, ठीक है। निजी आईटीआई में प्रवेश प्रक्रिया 9 नवंबर तक संपन्न होगी। इच्छुक आवेदकों का शासकीय आईटीआई द्वारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 20 नवंबर तक होगा। जी हाँ, यदि आप बाद में भी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराते हो तो दोस्तों, यदि आप प्राइवेट में कराना चाहते हो तो आपको दोस्तों वेरिफिकेशन के लिए तो गवर्नमेंट कॉलेज में जाना ही पड़ेगा। जी हाँ मेरे भाई, तो यदि आप एडमिशन लेना चाहते हो तो भाई ले लीजिए, और इसके अलावा भी कुछ अपडेट आता है आईटीआई से संबंधित तो आप मुझसे बिल्कुल जुड़ जाइए और आपको पूरा ही अपडेट देने वाला हूँ। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उस तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।